हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बिरयानी बनाने जा रही हूँ, तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने मार्केट से ये दावत बिरयानी की किट खरीदी है। आप देख सकते हो ये किट में चार चीज़ें आती है जो मेंशन की हुई है, और मैं आपको सिखाने जा रही हूँ हैदराबादी बिरयानी की ऑथेंटिक रेसिपी। इस तरह की पैकेजिंग में ये बिरयानी की किट आती है। ये सारे न्यूट्रिशन वैल्यू मेंशन है, और बैक साइड इसके सारी रेसिपी और क्या क्या आता है किट में वो सब मेंशन किया हुआ है। और हैदराबाद के साथ साथ कलकत्ता और लखनवी भी बिरयानी आती है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। पर फ़िलहाल मैं आपको हैदराबादी शेयर कर रही हूँ। ये 30 मिनट में बन जाती है ऐसा लिखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। फर्स्ट है खड़ा मसाला, ये सारे तेजपत्ता, लविंग, इलायची, वो सब एक पैकेट में आया है। और दूसरा है बिरयानी की पेस्ट, ऑथेंटिक बिरयानी पेस्ट, इतनी क्वांटिटी में आती है। उसके बाद चावल, बहुत ही अच्छे वाले चावल, स्पेशल बिरयानी वाले चावल आते हैं। और ये एक मेन्यू किट है जिसमें सारी रेसिपी की सजेशन दिया है कि किस तरह से आपको ये बनाना है, किस तरह से प्रिपेयर करना है। ये बहुत मुझे अच्छा लगा, और साथ में छोटी छोटी टिप्स भी दी है कि अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो इस तरह भी कर सकते हो, जैसे हमें शेफ लोग टिप्स देते हैं ना, बस वैसे ही। और इसके बाद ये है रायते का पाउडर सा है रायता बनाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि ये सारे चीज़ें इस किट में हमें दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक बर्तन में सारे राइस ले लिए हैं, और आप देख सकते हो कितने फाइनेस्ट राइस है और कितने लंबे लंबे दाने हैं इसके, और स्मेल तो आ हा हा हा। मैंने इसको धो डाला है और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूंगी। तब तक हम अपना रायते के प्रिपरेशन कर लेते हैं। मैंने घर पे बनाया हुआ दही लिया है, इत्तू सा लिया है। फिर हमें जो पैकेट में दिया हुआ है बुरानी रायता, ये एक पेस्ट के रूप में आता है, पर पता नहीं वो बहुत ही हार्ड था, बहुत ही हार्ड सीजनिंग था। कुछ पाउडर फॉर्म में भी नहीं था, और बहुत ही आप देख सकते हो, देखो ऐसे चॉकलेट के टाइप्स टुकड़े हो गए थे, और बहुत देर के बाद ये दही में घुल गया था, टाइम लगा था इसको। बट जब अच्छे से घुल गया, बट उसका स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत अलग तरह का रायता था। हम घर पे जो रायता बनाते हैं उससे भी बहुत ही अलग था, बहुत स्पाइसी, टैंगी, टेम्पटिंग था। रायता प्रिपेयर हो जाने के बाद हम उसको, जब तक बिरयानी नहीं हो जाती तब तक उसको फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर यहाँ मेरे घर पे जो अभी अवेलेबल थी थोड़ी सी गोभी ली है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए थोड़ी सी ली है। फिर थोड़ी सी लौकी, उसके बाद मिर्च और टमाटर, सारे को सब सब्जियों को बहुत ही फाइन चॉपिंग किया है। आपको जो सब्ज़ी पसंद है आप वो सब्ज़ी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम वेज बिरयानी बनाने जा रहे हैं। उसके बाद मैं एक
बर्तन ले लूँगी, उसमें 1 लीटर जितना पानी लूँगी, और मैंने पहले से ही नमक ऐड कर लिया है, जितने चावल थे उसके अनुसार नमक लिया है। और फिर हमें किट में जो दिया है खड़ा मसाला, वो सारे खड़ा मसाला गर्म पानी में उबालने के लिए डाल दूँगी। और लास्ट में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि चावल हमारे मिक्स ना हो जाए, ऐसे अलग अलग रहे। उसके बाद हमें जो आधे घंटे के भिगोए हुए चावल थे वो सारे इस उबलते पानी में हम डाल देंगे, और चावल को 75% ही कुक करेंगे। आप देख सकते हो ये हमारे 75% कुक हो चुके हैं। उसके बाद हम एक बड़े से छन्नी में इसको छान लेंगे और ठंडा हो करने के लिए साइड में रख देंगे। उसके बाद एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने सब्ज़ी के अनुसार ऑयल लिया है, और वन बाय वन सारी सब्ज़ी को ऐड करती जाऊंगी और चलाती भी जाऊंगी ताकि वो नीचे चिपके ना। आप देख सकते हो कि हमारी सब्ज़ी सोते हो गई है। उसके बाद हमें जो किट में बिरयानी पेस्ट दी हुई है वो पेस्ट हम थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते जाएंगे, और उसके बाद चला लेंगे और उसको फिर से सोते करेंगे। जब तक कि हमारा ऑयल अलग नहीं हो जाता तब तक उसको सोते करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ही पानी लेना है और फिर उसको सोते करने के लिए रख देते हैं। हमारी सब्ज़ी सोते हो चुकी है तो हमको साइड में रख देंगे। उसके बाद एक अलग से बर्तन लेंगे, उसमें मैंने ऑयल ग्रीस कर लिया है, और हम हमारे बने हुए चावल की एक लेयरिंग करेंगे। आप देख सकते हो ऐसे लेयरिंग करना है लास्ट में। उसके बाद हमने जो सब्ज़ी पकाई हुई है रेडी की है वो सब्ज़ी की लेयरिंग करेंगे उसके ऊपर। उसके बाद फिर से हम चावल की लेयरिंग करेंगे। उसके बाद हम फिर से हमारी वेजिस की लेयरिंग करेंगे, अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे। ऐसे ही हमें लेयरिंग राइस की और सब्जी की, राइस की और सब्जी की लेयरिंग करते जाना है। और हो जाने के बाद हम एक बर्तन उस पर ढक देंगे, और ये हमारी हो गई है वेज बिरयानी रेडी। तो मैंने इसको एक प्लेट में लेके सर्व किया है हमारे ठंडे ठंडे बनाए हुए रायते के साथ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल आप भूल जाते हो सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में जो घंटी दी हुई है उसको भी बजा देना ताकि जब भी मेरा कोई नेक्स्ट वीडियो नया आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।